आज की सुबह की स्टार्ट म्यूजिकल फैंस के लिए अगेन एक ब्लैक डे और एक बहुत ही दुखद स्टार्ट हुई, क्योंकि सुबह सुबह ही एक बड़े लेजेंड ने इस दुनिया को कह दिया अलविदा। देख रहे आप फीफा फूज, मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त वेदांगी कर्णिक। वेल, डिस्को किंग और जिन्होंने डिस्को म्यूज़िक को हमारे बॉलीवुड में इंट्रोड्यूस कराया और ढेर सारा प्यार जो है उनके सॉन्ग्स को, उनके म्यूज़िक को मिला, ऐसे बप्पी लहरी, द लेजेंड, द किंग, द पर्सन विद अ गोल्ड हार्ट, ऐसे म्यूजिकल सिंगर, ऐसे ग्रेट सिंगर अब इस दुनिया में नहीं रहे। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू इवन से दैट ही इज़ नो मोर इन दिस वर्ल्ड। लेकिन उनके जो डॉक्टर है दीपक नाम जोशी, इन्होंने बप्पी लहरी के डिमाइज के ऊपर अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट देते हुए कहा है कि उन्हें ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनिया था, ओएसए था और रिकरेंट चेस्ट इन्फेक्शन था। लेकिन वो ठीक भी हुए थे आफ्टर 29 डेज ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, उन्होंने रिकवर करा था, उन्हें डिस्चार्ज भी मिला था, वो घर के लिए रवाना भी हुए। लेकिन घर जाने के बाद सेम नाइट उनकी तबीयत फिर एक बार ख़राब हो जाती है, जिसके चलते उन्हें हॉस्पिटल में फिर एक बार एडमिट करना पड़ा इन अ वेरी वेरी क्रिटिकल स्टेट। और अगर बप्पा लहरी यानी उनके बेटे की बात करें तो उन्होंने भी ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है कि विद ग्रेट सैडनेस वी अनाउंस द लॉस ऑफ माई फादर श्री बप्पी लहरी यानी बप्पीदा, प्लीज़ कीप हिम इन योर प्रेयर्स। और साथ ही साथ बप्पा लहरी जो है एलए से मिड मॉर्निंग में आ जाएंगे, मोस्टली शायद कल तक आ रहे हैं वो, तो उसके बाद ही जो लास्ट राइट्स है बप्पी लहरी के वो किए जाएंगे। हम तो यही कहेंगे कि बप्पी लहरी जी, आप ने इस म्यूज़िकल इंडस्ट्री को, इस बॉलीवुड को जितना प्यार दिया है, जितना अमेजिंग म्यूज़िक दिया है, आपको कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता। आप एक लेजेंड है एंड वी रियली विश दैट यू गेट रेस्ट एंड मे योर सोल रेस्ट इन पीस। आप क्या कहना चाहोगे बप्पी दा को, द डिस्को किंग? उनके जितने गाने थे, आई एम श्योर कि आप किसी भी उम्र के हो, आप उनके गानों पर ज़रूर थिरके होंगे और अभी भी कहीं ना कहीं उनके सॉन्ग्स जब लगेंगे तब आप थिरकेंगे ज़रूर। व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दिस, नीचे कमेंट करके बताइए। आई सी यू गाइस सून, बाय बाय।